आई एम दीप्ति, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी शाम का टाइम है। अब क्या हो गया, क्यों उठ के बैठ गया है? ये देखिए, जरा उठ के बैठ गए, सो रहे थे। निन्नू निन्नू इनकी हो रही थी और ये उठ के बैठ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे बाबा मेला आ जा मेला। टू आवर्स लेटर, इसका क्या मतलब हुआ टू आवर्स लेटर? पता नहीं, नींद में बोल रहे टू आवर्स लेटर, देख रहे होंगे कुछ सपना। टू आवर्स लेटर। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मैं भी ठीक हूँ और मेरा गला भी थोड़ा थोड़ा सा ख़राब है, हो जाएगा सही धीरे धीरे, क्योंकि बहुत तेज़ से कफ वगैरह हुआ था और कोल्ड वगैरह, तो अभी ठीक है। और गला तो जाते जाते जाएगा, थोड़ा सा केयर भी कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। और आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई यार सच में। आज एक्चुअली मम्मी हम लोगों के साथ नहीं आई है कानपुर से, हम लोग अकेले आए हुए हैं। मतलब हम पापा राठौर जी आरुष, हम चार लोग आ गए। मम्मी कानपुर में ही है अभी, क्योंकि दादी की तबीयत नहीं ठीक चल रही है, तो वो दादी के साथ में भी है। मतलब थोड़ा उनके साथ में रहेंगी और फिर आएंगी यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल जा रही हूँ चाय बनाने, 5 बज गए हैं और थोड़ा सा लेट गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह हो गए थे वॉश करने के लिए, सारे बहुत ज़्यादा काम हो गया था। काम होते करते करते 1 बज गया था, 1 बजे तो ब्रेकफास्ट करा है मैंने, तो समझ सकते हो आप। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी अभी। और चलिए स्टार्ट किया मैंने ब्लॉग को। मेरा आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ 1 लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना गया, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए और कंटिन्यू करेंगे और दिखाते हैं जो जो करते हैं आपके साथ में। आज बहुत ज़्यादा काम किया, सब उल्टा पुलटा पड़ा हुआ है अभी, सब कुछ सेट करना, बस वॉश वगैरह किया सारा। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। ऊतो बाबू गोदी ले आपको। अरे आ जाओ आ जाओ गोदी ले, आ जाओ। लो दूध की बोतल, वो रही आपकी। थ्रो तो आपने की है दूध की बोतल है, थोड़ा सा बचा दूध में। तो गाइस यहाँ पे बन रही है मेरी शाम की चाय और मैं और पापा हैं घर पे, और ये सुबह से दूसरी या तीसरी चाय होगी। साथ में ये बादाम भिगो दिए थे कुछ, एंड ये थोड़े चने भिगो दिए थे। और मतलब थोड़ा सा मैंने सोचा था, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, चने बॉईल कर लेंगे या फिर फ्राई कर देंगे, कुछ ऐसे ही करेंगे। और ये बादाम वगैरह भिगो दिया था, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए साथ साथ में। इनको उठना नहीं है, निन्नी बहुत आ रही है सोने। मतलब कितने बजे से सो रहे हैं ये? 2 बजे से करीब सो रहे हैं, 5:30-6 बजने जा रहा है। फिर ये रात में 2 बजे से पहले नहीं सोएंगे, रात भर ये फिर पहरा देते हैं और अभी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखना जरा इधर, तो देखना जरा इधर, तो देखो इधर, तो देखना ये देखो। अरे बाबा इनको उठाती हूँ पहले। अभी मैं आ गई ऊपर छत पे और इतने सारे कपड़े आज धुल के डाले हैं ना, पूरा चारों तरफ आपको कपड़े कपड़े हमारे घर में नजर आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था, देख सकते हैं सारे वायर्स पे बस कपड़े कपड़े हैं। तो ये सारे कपड़े सूख भी गए, हल्के हल्के से बादल भी बन रहे हैं, देख सकते हैं। धूप बिल्कुल भी नहीं है, आज पूरे दिन बादल जैसे रहे हैं बट बारिश नहीं हुई। बारिश हल्की सी रात में हो गई थी, फिर बारिश वारिश तो नहीं हुई है लेकिन बादल छाए हुए हैं। तो सोच रहे कपड़े उठा ले, पता चले पानी कब आ जाए और मेरी सारी मेहनत भी पानी पर फिर जाए, इतने सूखे सुखाए हमारे कपड़े सारे फिर से गीले हो जाए। तो उठा लेते हैं पहले कपड़े, उसके बाद करते चल के कोई और काम, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, मम्मी नहीं है तो सब कुछ ही करना पड़ रहा है। तो पहले कपड़े
उठा लिए, चलते नीचे क्योंकि हाथ बहुत भारी हो चुका है। अब ऊपर एक मिनट नहीं टिका जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हाथों में, तो चलते नीचे पहले तय वगैरह लगाते प्रेस करने के लिए देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये चने जो भिगो के रखे थे ना, इनको मैंने बॉईल कर दिया, और इसमें बीच में ना एक दो चावल चला गया था तो वो भी बॉईल हो गया साथ साथ में। और कोई नहीं, बट चावल ही है ना तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। और इनमें मैंने जब बॉईल करा था ना तो साथ में ही इसमें नमक डाल दिया था, और तो उससे क्या है ना कि मतलब ज़रूरी नहीं पड़ा इसको फ्राई करें, मतलब क्योंकि ज़्यादा तला हुआ खाना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने इसको ऐसे ही करके हम लोग चाय के साथ ले लेंगे। अभी राठौर जी भी आ गए तो बस अभी हम लोग आज का शाम का नाश्ते में यही खा रहे हैं। मतलब राठौर जी के सामने तो जैसे चने जाएंगे वैसे बोलेंगे आज तो घोड़ा बनने की पूरी तैयारी कर दी है, मतलब वो हमेशा इनका यही कमेंट रहता है। और चलिए साथ में मैं यहीं पे ना बादाम भी सबको छील के दे दूंगी, क्योंकि छील दूंगी तो सब लोग खा लेंगे, नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर बहुत सारे काम करने हैं। आप तो अकेली हो ना तो यार बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मतलब आप समझ नहीं सकते, मम्मी नहीं है तो मतलब पूरा घर का भी देखो, सारी चीज़ें देखो। और तो यहाँ पर आज शाम के जो डिनर में है वो बना रही हूँ टिंडे के पराठा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिंडे को मैंने ग्रेट कर लिया था कद्दूकस से पहले, अब इसमें मैंने नमक मिला के रख दिया था, और ये देखो नमक मिलाने के बाद कितना टिंडे में पानी मतलब छोड़ा है इसने। तो उसके बाद इसको पानी को निकाल देंगे, इस कपड़े से अच्छे से निचोड़ देंगे तो सारा पानी निकल जाता है, सूख जाता है। तो फिर और इधर साथ साथ में आरुष हमें बहुत तंग कर रहा है, वो खींच के ले जाना चाह रहा बाहर, पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम हो रही, मतलब सबकी कंप्लेन लेके आता रहता पूरे टाइम, कोई कुछ बोल देगा ना तो मेरे पास खड़ा हो जाएगा आके। तो देख सकते हैं, और जब ये देखना एक साथ इकट्ठा हो जाता है, मतलब इसका पानी निचोड़ो ना तो इसको थोड़ा सा हाथ से फोड़ना पड़ता है। और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है ग्रीन चिली, और बहुत तीखा वाला पराठा बना रहे हैं, इसमें ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा डाली हुई है क्योंकि पापा को हल्का सा कोल्ड हो रहा है, वो कह रहे हैं हमें बहुत तीखा तीखा खाना है, तो इसलिए इसमें चिली का कुछ ज़्यादा ही डाल दी क्वांटिटी। राठौर जी के लिए थोड़ी सी साइड में चिली कम कर देंगे मिर्च, क्योंकि वो तीखा नहीं खाते बहुत ज़्यादा। तो इसमें ऐड कर दिया जीरा, नमक एंड हींग और हरी मिर्च, धनिया पत्ती है ही नहीं तो धनिया पत्ती नहीं डालेंगे। और ये हमने डो लगा के रख दिया था, सबसे पहले डो लगा के रख देते हैं सारे काम करने से तक, क्योंकि अच्छे से फूल जाता है ना तो पराठा हमेशा, मतलब आपको जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पराठा बहुत अच्छा बनता है, जब आटा अगर अच्छा लगा हुआ होता है डो तो पराठा बहुत अच्छा बनता है, इसका बहुत सॉफ्ट वो लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर सबको आज डिनर में हम लोग यही खाएंगे, और सबको बच गया, बहुत टाइम हो गया इस टाइम, पता है मतलब 10:30 के करीब टाइम हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया हमारा डिनर एक्चुअली। उसका रीज़न ये था कि आरुष को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी ना, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मतलब क्योंकि उसका एग्ज़ाम टाइम आने वाला है तो पढ़ाना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, और ट्रैवलिंग में और वैसे भी मेरी खुद की प्रॉब्लम्स इतनी सारी हो गई हैं जैसे आप लोगों को पता है, तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई हूँ। मतलब ये 1 वीक करीब मैंने इस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाया, इधर उधर बस आना जाना, मतलब 10 दिन करीब हो गए यही सब चलते चलते। तो मैंने सोचा कंटिन्यूस अब 1 वीक करीब पढ़ा देते हैं इसको, जिससे कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक परफॉर्म करे, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना कोई चीज़ पढ़ा हो तो। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ और बनाऊँगी चाय, और चाय पराठा के साथ हमारा आज डिनर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं सबको एक एक करके सर्व भी करती जा रही हूँ, क्योंकि जैसे एक बन जाता है किसी एक प्लेट में, राठौर जी पापा जी दोनों लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं और मैं दोनों लोगों को एक साथ ही जाके दे दूँगी, क्योंकि पराठा ठंडा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, मतलब तवे से उतरे सीधे प्लेट में पहुँचना चाहिए, खाने में उसी में मज़ा आता है। बट हमारे साथ हम लोग यार जब घर में काम करते हैं ऐसा हम लोगों के साथ नहीं होता, हम लोगों को तो सबको खिला के सारे काम ख़त्म करके तब खाना होता है। तो बट कोई नहीं यार, जिसकी मतलब हम लोगों का काम ही यही है। तो चलिए, तो गाइस सबको यहाँ पे पहले मैं करा देती हूँ डिनर, साथ साथ में मैं भी कर लेती हूँ क्योंकि पेट में बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, आज बहुत लेट हो गया है, मतलब सिर्फ शाम को चने खा लिए थे, वह उसके साथ अब करेंगे डिनर अच्छे से, फिर मिलते हैं। अभी स्टीम लेके आ रहे हैं, और स्टीम लेने के बाद में कौन इंसान एसी में आके लेटता है ठंडी में, ज़रा जो लेटता हो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि ये जनाब मतलब पहले अभी स्टीम लेके आए, गला बहुत ख़राब चल रहा है, उसके बाद आके एसी में लेटे हुए हैं, ठीक है, ये हालत है। ठंडी हवा लेनी पड़ती है, ठंडी ठंडी हवा लेनी पड़ती है, देखो बाल देखो जरा कहाँ जा रहे हैं, आजकल का फैशन है, ये फैशन है इनका। तो गाइस अभी डिनर हो गया है और वीडियो का एंड अरे सुन तो ले, आज इनके फेवरेट पराठा बनाए थे, ठीक है, मैं yes. 2 घंटे से लगी हुई हूँ, सिर्फ दो घंटे कल का भी मैंने डिसाइड हो गया आलू के पराठा दिए रहो, पराठा खा खा के हम पराठा बन गए, इन पे कोई असर नहीं है,
ये तो जैसे के तैसे ही है, हम जरूर गोलमोल पराठा की तरह हो गए फूल के। अच्छा कमेंट सेक्शन में एक चीज और डालना आप लोग, ये सबसे ज्यादा गोरा कौन, मैं या ये? ये कौन पूछता गोरा कौन, बताना भाई गोरा कौन है दोनों में से, हम या ये? खा खा के गोरा कौन सबसे ज्यादा हुआ है, हम कि ये? पराठा खा के गोरा कोई होता है? बस रहने दो, हमें नहीं पराठा खाना है, बताओ हमें काला, हम काले से ही हम पराठा नहीं खाना चाहते हैं बस। लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, अभी मैंने भी स्ट्रीम ली हुई है, मैं अंदर आई तो देखा एसी चल रही है, मैं तो बात करने के लिए आई थी बट ये लोग ये एसी चला के बैठे हुए हैं, सारे कपड़े अपड़े सब उठा के बेड से ऐसे फेंक दिए हैं ना तैस बनाने से, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो गाइस फिलहाल आज के वीडियो का यहीं पे करेंगे एंड, और अभी जाके थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद शार लेना है, क्योंकि अभी स्ट्रीम वगैरह नहीं हुई ना तो तुरंत जाके नहीं नहाना चाहिए। एंड पापा की तबीयत थोड़ी थोड़ी सी आज खराब हो गई है, उनको कोल्ड वगैरह हो गया है, और आज से उनकी सेवा में लगना पड़ेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में कुछ नया लेके, और ये जना अपना खेल रहे गेम, इनका गेम खेलने की आदत अभी तक नहीं है, खुड़कुड़ जैसे मौका मिलता है तुरंत गेम खेलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में कुछ नया लेके, अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरे भाई साहब ऑगी बन के घूम रहे हैं ये देखो गंगम स्टाइल, ये देखना जरा ऑगी बन के करछुली लिए घूम रहा है, ऑगी बना हुआ मतलब पता नहीं किसके मार दे, कोई भरोसा नहीं है। तो चले गाइस फिलहाल आज की वीडियो का ये एंड करेंगे, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली तक उसमें इसको शेयर कीजिए जिससे कि हमारे थोड़े से और सब्सक्राइबर्स बढ़े एंड व्यूज़ बढ़े। तो चले गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में कुछ नया लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर, बोलो स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बोलिए ना बाय बाय टेक केयर, लाइक इसी तो दे दो ये सबको, बाय बाय, ये देखो।